विजयगढ़ के जो ग्राम निवासी हैं उसमें से एक लक्ष्मीबाई वाल्मीकि है जो कि मकान की समस्या से पीड़ित है। इनकी इतनी ख़राब स्थिति है कि इनकी जो अंदर से लकड़ियां लगी हुई हैं वो भी बहुत टूटी हुई हैं। हमारा साफ कर दो काम, नहीं तर गिर जाएगा हमारा घर। हमारी पूरी कुरियाँ टूटी हैं, बगलियाँ टूटी हैं, हमारी दीवार गिर रही है, क्या करें हम। आपने आवेदन दिया है कुटीर के लिए? दिया है। कब दिया था? आज की क्या साल हो रही हैं कि 5-7 साल हो रही हैं। यहाँ पंचायत जाते हैं, तहसील भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हारा गरीबी रेखा में नाम ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया, हम क्या करें था। ऐसे ही लक्ष्मीबाई जैसे कई लोग हैं जिन्होंने इस 2013 में 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में एक करीब 156 आवेदन दिए हैं जिला कलेक्टर महोदय जी के लिए, जिसमें समस्या आवास की दर्शाई गई है। हमारी ये समस्या है कि हमारे लिए रहने का घर नहीं है, 4-5 बच्चे हैं हमारे, कहाँ पे रहें। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम माने सास ससुर के घर में रह रहे हैं। झगड़ा होता है, वे कहते हैं कि आप अपना घर बना ले, अपने भगो यहाँ से, तो हम कहाँ जाएं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है दीदी जी, अब हम क्या करें। लता भाई आप ये बताइए, आपने आवेदन कलेक्टर साहब को दिया था तो कलेक्टर साहब ने क्या बोले आपसे? कलेक्टर साहब ने ये बोले कि हमने तहसील में भेज दिए है, तहसीलदार साहब के पास में है ये सब काम, अब वो ही करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इस समस्याओं का हल चाहती हूँ। इनके लिए मेरी आपसे अपील है कि हमारे श्रीमान तहसीलदार महोदय जी के लिए फ़ोन करें और उन पर दबाव बनाएं। तहसीलदार साहब का फ़ोन नंबर है 94-25-65-25। मैं आरती बाई वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दामोह, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।